बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कार रण है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार स्वागत है uh, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा और आप लोग भी बहुत सेफ और सुरक्षित होंगे तो गाइड शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को सबसे पहले बात करेंगे आज के मोटिवेशनल कोर्ट की और आज का मोटिवेशन मोटिवेशन कोड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है मगर अगर आप मन से हार गए अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए अगर आप अपने आप पे उम्मीद छोड़ दिए तो भैया जीतना नामुमकिन बन जाता है तो कभी भी एक बात याद रखिएगा थोड़ी बहुत हार जीत चलती रहती है डिप्रेस नहीं होना है खुद का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है अपने आप के आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़िए भैया सक्सेस आपके हाथ में हमेशा रहेगा तो इसी मोटिवेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए इसी आत्मविश्वास को बढ़ा हुए स्टार्ट करते आज के हमारे सेशन को साउंड इज नॉट क्लियर यस हेलो 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 नाउ यस गाइस अभी अभी आवाज ठीक है एक बार बता दीजिएगा हेलो हेलो अभी सही है क्लियर ओके फाइन क्लियर है कि नहीं है कुछ लोग कह रहे क्लियर है कुछ लोग कह रहे नहीं है फाइन 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 ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपडेट थैंक यू गाइस ओके Uh, चलो सो so अभी आवाज uh, मेरे ख्याल से अभी क्लियर होगा प्रॉब्लम के uh, चलो आगे बढ़ते हैं विल स्टार्ट विद सेशन बात करेंगे के मोटिवेशनल कोर्ट uh, तो मोटिवेशनल कोर्ट पे मैं एक ही बात कह रहा था कि भैया कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है इफ यर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड व्यू एम थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पॉइंट uh, okay, so पॉइंट ठीक है चलेगा यस सो कंप्यूटर जी आ, uh, मेरे ख्याल से आ, uh, ठीक है दो एक एक मिनट वेट कीजिए हम थोड़ा साउंड का मैनेज uh, कर लेते विद इन अ वन मिनट नॉट इवन अ वन मिनट विद इन अ फ्यू सेकंड्स हम लोग साउंड को क्लियर कर देते हैं यस कंप्यूटर जी जल्दी से कीजिएगा साउंड क्लियर बिकॉज हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं ज्यादा वेट नहीं करवाना है उनको हमें यस yes, चलो हेलो हेलो यस नाउ नो आई एम ऑडिबल हेलो आवाज आ रही है अभी यस गाइस नाउ ऑडिबल है हेलो 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 नाओ अभी क्लियर है या yeah, फाइन चलो तो यस अभी आगे बढ़ते आ, थोड़ा सा इश्यू कंप्यूटर जी के साइड में था तो चलो कोई बात नहीं अभी सब कुछ सही हो गया ठीक है so, आपको अगर ये नोट्स हमारे चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी फॉलो कर दीजिएगा यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सारे नोट्स वहां पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे ठीक है गाइज आगे बढ़ते आ, <coughs> स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर के साथ और इनिशियट करते अगेन वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे सुरक्षित होंगे गाइज पहली न्यूज हमारे स्क्रीन के ऊपर है आज सबने डाला कमेंट सेक्शन में आज रेबीज डे रेबिस रेबिस डे के पहले आज है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये हम लोग सेलिब्रेट करते ध्यान रखेगा रेबीज डे जिसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज okay. uh, है इसके तरफ ध्यान रखिएगा व्हेन इट कम्स रेबीज उसका हमने किया कि भैया uh, सारे facts clear होने चाहिए कोई भी है नहीं फैलानी हमें उस एंगल में हम उसको uh, कर रहे पर पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सबको सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आजकल फेक न्यूज आजकल गलत न्यूज का जमाना चल रहा है तो उस टाइम पे डे बहुत ज्यादा मैटर करेगा ये डे बहुत बड़ा प्ले करेगा तो यहां पे याद रखेगा क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे ठीक है चलो अब देखिए स्ट्रॉ इंस्टीट्यूशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट एस डी जी नंबर डेवलपमेंट गोल नंबर को में रखते हुए इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भाई यहां पर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे रेबीज डे पे शायद एक भी क्वेश्चन आए पर यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बिकॉज राइट नाउ इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग के गुड इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड ये वर्ड बार बार मोदी साहब यूज करते हैं ये वर्ड बार बार यूनाइटेड नेशन डब्ल्यू एच ओ और अब इंडियन जुडिशरी यूज करती है पब्लिक गुड पब्लिक गुड का मतलब क्या होता है सही इंफॉर्मेशन ये लोगों का हक है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसी एंगल में ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है देखिए बिल्डिंग बैक बेटर हम लोग बार बार कहते हैं कि कोविड नाइनटीन के बाद हमें वापस एक बार सोसाइटी को बिल्ड करना है वापस एक बार हमारे सराउंडिंग को बिल्ड करना है सही इंफॉर्मेशन के साथ अच्छे नॉलेज के साथ तो देखिए यहां पे लिखा है द इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड पब्लिक गुड के हिसाब से इंफॉर्मेशन को हमें लोगों तक पहुंचाना है अगर गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची तो प्रॉब्लम हो सकता है यह हमने कोविड 19 में या उसके पहले देखा हुआ है और इसीलिए ये डे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सो बिल्डिंग बैक बेटर ये हमारा ओवरऑल कोविड 19 में डेवलपमेंट का टास्क है और उसी के अंदर ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है सो so, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है ठीक है चलो गाइज सो so, uh, <coughs> आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ये था इंपॉर्टेंट डे रेबीज डे भी आज है कि जहां पे हम लोग कोई भी पैनिक ना होने की और फैक्ट्स को या ट्रूथ को फॉलो करने की बात करते हैं रेबीज को लेकर बहुत सारी अफवाहें होती है लोग क्या क्या अफवाहें नहीं फैलता फैलाते बींग अ डॉक्टर आई नो दैट वेरी वेल सो थोड़ा याद रखेगा इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं होती है नो आगे बढ़ेंगे एक बड़ा बेहतरीन सा न्यूज है ये न्यूज आगे बहुत अच्छे अच्छे एग्रीमेंट्स करवाएगा सो इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग रिसेंटली यहां पे हुए डायलॉग हुए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ इंडिया और यूएस के हेल्थ uh, मिनिस्ट्री के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, अब यहां पे नाम लिखा है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार डॉक्टर दौ, दौ, भारती प्रवीण पवार कौन है ये मनसुख मंदि साहब के अ, मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं मनसुख मंदि साहब को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनका नाम है भारती प्रवीण पवार तो याद रखिएगा मैडम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मनसुख मंदिया है वो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके अंडर जो काम करते उनका नाम है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इन्होंने इस मीटिंग को हेड किया नाउ इंडिया यूएस इंडिया यूएस के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी आपको मोदी साहब गए थे US के बड़ा झप्पी वाला हो गया। उसके उसके बाद उसके पहले इंडिया आए थे जॉन केरी साहब आपको तो, क्यों आए थे? बिकॉज इंडिया और यूएस के बीच में एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स को एक अंजाम देने के लिए एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर सेम तरीके से माइंडसेट बनाने के लिए जॉन केरी केम टू इंडिया ये न्यूज हमने देखी हुई है पर इसके पहले इंडिया यूएस हेल्थ की बात करते हैं 2014-15 में मोदी साहब ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया था चले साथ साथ चले साथ साथ बिटवीन इंडिया एंड यूएसए फॉर हेल्थ याद रखेगा चले साथ साथ ये कंसेप्ट मोदी साहब ने 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में दिया था पर्पस ये था कि इंडिया यूएसए साथ में काम करे ये पहला कंसेप्ट ठीक है दूसरा कंसेप्ट था कि साझा प्रयास सबका विकास साझा प्रयास सबका विकास ये दूसरा कंसेप्ट है जो मोदी साहब ने दिया था 2014-15 में इंडिया यूएस हेल्थ रिलेशंस के लिए तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं चले साथ, साथ। दूसरा सांझा प्रयास सबका विकास विकास इस वर्ड से मोदी साहब को अलग मोहब्बत है कोई बात नहीं पर साझा प्रयास सबका विकास याद रखेगा एंड चले साथ, साथ ये दोनों हेल्थ के एग्रीमेंट से जो यूएस के साथ साइन किए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अभी रिसेंटली जॉन केरी साहब भी आए थे एनवायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए अब दो दिन का डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए And के बीच में इंडिया के तरफ से पवार sorry, भारती पवार जी ने रिप्रेजेंट किया सॉरी डॉक्टर भारती पवार ने रिप्रेजेंट किया और यूएस के तरफ से लॉइस अफेयर डिपार्टमेंट में he, uh, that's it, that's it. Okay. More, इतना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यह चले साथ, साथ आपको पता चल गया सब साझा प्रयास सबका विकास ये एक दूसरा पॉइंट है जो इसके अंडर आता है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है के एंगल में यूए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनका यह कहना है कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर का इंडिया है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा आयात निर्यात करने वाला देश जो यूए के साथ करता है वो है चाइना और चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ यूए अभी रिसेंटली ना पीयूष गोयल साहब की हमारे वाणिज्य मंत्रालय को वो हैंडल करते जो ट्रेड के ऊपर जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बात करता है तो पीयूष गोयल साहब का ये कहना था कि 115 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हमें यूएई के साथ करना है आने वाले पांच सालों में आने वाले पांच सालों में यूए के साथ 115 बिलियन डॉलर का बिजनेस करना है अगर इतना बिजनेस कर दिया तो यूएई इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बनेगी एक और चीज यूए की बात करते हैं यूए में तीस परसेंट इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं तीस परसेंट टोटल so, पॉपुलेशन का थर्टी परसेंट पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन है सबसे ज्यादा अगर कोई कम्युनिटी यूए के अंदर रहती है तो इंडियन कम्युनिटी रहती है तो भैया वेटेज भी बड़ा स्ट्रॉग है और दूसरा इंडिया यूए के रिलेशन भी बड़े स्ट्रॉन्ग है पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरा जेम स्टोन्स ना गले में पहने वाले या फिर अंगूठी में पहने वाले स्टोन होते जेम स्टोन की बात करेंगे उसके बाद मशीनरीज ज्वेलरी फर्टिलाइजर्स केमिकल्स टेक्सटाइल uh, इसका काफी और फूड सॉरी फूड में भूल गया फूड इवन सी फूड इसका सबसे ज्यादा बिजनेस हम यूएई के साथ करते हैं यूएई हमारे साथ करते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मशीनरीज ज्वेलरीज जेमस्टोन या प्रेशियस मेटल्स जिसे कहा जाता है फूड एंड एज वेल एज हम लोग बात करेंगे सी फूड की इवन टेक्सटाइल काफी बिजनेस हम लोग करते हैं अब देखिए नंबर्स की बात करेंगे नाउ 2021 के पहले हाफ में 38.5 बिलियन दिरहम्स का बिजनेस हमारा हुआ है हमारा एम है 115 बिलियन तक का बिजनेस हमें यूएई के साथ करना है ये भी हमारे दिमाग में ये भी हमारे माइंड में चल रहा है याद रखिएगा नाउ सऊदी अरेबिया चाइना उनके साथ बिजनेस करते 66.3 बिलियन के कम से कम हमसे डबल का बिजनेस है चाइना और यूएई का सेकंड नंबर पे इंडिया आती है फोर्थ यू कैन सी यूएस uh, uh, भी है यूएस uh, भी यहां पे मैं रहेगी सऊदी अरेबिया है स्विट्जरलैंड है ये बाकी कंट्रीज है जो भी यूए के साथ बिजनेस कर रही है पर क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो इंडिया के और यूए के रिलेशनशिप को और पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली क्या मैंशन किया उसकी तरफ भी ध्यान रखिए वो भी आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ठीक है uh, <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे यस गाइस। सी फूड का मतलब क्या होता है सी फूड का मतलब भैया मच्छियों लाइक हम लोग फिश की बात करते हैं हम लोग प्रॉन्स की बात करते हैं ये चीजें यहाँ पे होती है ठीक है चलो एनीवेज, आगे बढ़ेंगे States, uh, over 157 तो ये आपने देखा होगा उस दिन हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था सो वील कवरिंग टूडे सो वन फिफ्टी सेवन आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक्स ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट अब यहाँ पे ध्यान रखेगा ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है के यार सी फूड क्या होता है सिंपल सोलॉजिक सी फूड क्या होता है Uh, मैंने मेंशन कर दिया उसमें कंफ्यूजन होने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होनी चाहिए ठीक है

Uh, uh, भैया भाई 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 नहीं पता कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि इसको बेचेंगे, नहीं बेचेंगे पर एंटिक्स यूएस से इंडिया आगे यह बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा है नो डाउट अबाउट दैट सेवेंटी वन आर्टिफेक्ट है उसमें से लाइक सेवेंटी एंगल में भी काफी हमारे पास आ चुके हैं तो लक्ष्मी नारायण का अगर कोई मूर्ति होगी बुद्धा की मूर्ति होगी विष्णु शिव पार्वती का मूर्ति होगा तो ऐसी मूर्तियां हमें यहां से मिली हुई है एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में क्वेश्चन देखिए वन फिफ्टी सेवन आर्टिफेक्ट वी गॉट फ्रॉम द यूएसए पहला पॉइंट दूसरा मैक्सिमम कौन से सेंचुरी का है ये एसएससी या यूपीएससी एंगल के क्वेश्चन से सो इलेवेंथ सेंचुरी इलेवन सी या फोर्टीन सी यहाँ पे ध्यान रखिए वो बहुत मैटर करेगा 45 एंटिक्स ये बिफोर कॉमन एरा के या फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया 71 ये कल्चरल है हिंदुइज्म के साठ है बुद्धिज्म के 16 है जैनिज्म के 9 है ये बस नॉलेज के लिए बाकी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा

आगे बढ़ते हैं वॉशिंगटन डीसी यूएस डॉलर्स भैया यूएस के बारे में ये स्टैटिक नॉलेज बताने की जरूरत नहीं है हर बच्चे बच्चे को पता होता है यूएस के प्रेसिडेंट कौन है यूएस का कैपिटल कौन है और यूएस की करेंसी कौन होते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा बताने की जरूरत नहीं रहेगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज कवर की थी कि एंजेला मर्कल जी यह अभी रिटायरमेंट लेने वाली है अभी इलेक्शन हुए जर्मनी के अंदर और एंजेला मर्कल जी की पार्टी सोलह साल में पहली बार इलेक्शन लगभग हार गई डिफरेंस ज्यादा नहीं है किसी को भी उनके कंट्री में जर्मनी में किसी को भी प्रॉपर बहुमत नहीं मिला है उनकी एक पार्टी है पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 25.7 परसेंट वोटिंग मिली है और जो पार्टी थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी एंजेला मर्कल पिछले 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एंजेला मर्कल जी की पार्टी ये बहुमत से दूर है ये इलेक्शन नहीं जीत पा रही है बिकॉज उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी कि वो खुद रिटायरमेंट करेगी और रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट के बाद ऑब्वियसली वोटर्स थोड़े मायूस हो गए होंगे तो इनके पार्टी को इतने वोट नहीं मिले तो उनके अपोजिट पार्टी है जहां पर ओला ओलاف श्लोज़ ओलाफ श्लोज़ नाम 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 के ये शायद नए चांसलर बन सकते हैं जर्मनी के ओलाफ श्लोज़ उनका नाम है ओलाफ श्लोज़ ये उनके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड है इंचार्ज है ये शायद नए चांसलर बन सकते हैं जर्मनी के मैंने वर्ड यूज़ किया शायद बिकॉज अभी तक बहुमत किसी को नहीं मिला है तो यहाँ पे भी इंडिया के तरह भागीदारी वाली सरकार अगर बन गई तो पता नहीं शायद शॉल्स ये बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे पर फिर भी नाम याद रखिएगा अगर बन गए तो हमारे लिए दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है दैट विल बी इनफ एंजेला मर्कल जी 16 साल बाद अभी रिटायरमेंट ले रही है एंड दस साल दुनिया की सबसे पावरफुल महिला ये टैग उनको मिला हुआ है तो उनको रिटायरमेंट की मुबारक हम जरूर देंगे नो डाउट अबाउट दैट ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च कर दिया स्वच्छ सर्वेक्षण अभी स्टार्ट हो गया देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण यह अर्बन एरिया का है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इसका अनाउंसमेंट 9 सितंबर को हुआ था आपको अच्छे से बताओगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हो गया आता है हमारे अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर पूरी साहब यहां पे मिनिस्टर है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो नौ सप्टेबर को लॉन्च किया गया था कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं गिरिराज सिंह साहब क्यों आएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंदर भैया के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा नहीं 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 गलत है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कमर जलशक्ति मंत्रालय जलशक्ति मंत्रालय उसके अंडर आता है और जलशक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट क्यों आएगी पंचायती राज क्यों आएगी मैंने तब भी कहा था आपको ये गलती एग्जाम में नहीं करना स्वच्छ सर, सर्वेक्षण कम्स अंडर शक्ति मंत्रालय यहां पे शेखावत साहब है उनके मिनिस्ट्री के अंडर यात्रा उन्होंने ही अनाउंसमेंट की थी भैया ये गलती हर साल स्टूडेंट्स एग्जाम में करते ग्रामीण तो भाई पंचायती राज मिनिस्ट्री या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो हर साल गलती स्टूडेंट्स करते हैं आप मत करना आपसे बड़ी उम्मीदें मुझे है आपसे बड़ी उम्मीदें आपको भी होगी और आपके फैमिली को भी होगी यह गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का नाम याद रखिएगा बहुत बढ़िया ठीक है अब एक और पॉइंट ध्यान दीजिए कम से कम सत्रह सेवनटीन थाउजेंड फोर सेवन फाइव ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंदर चेक किए जाएंगे अब यहां पे स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन की बात हो रही है देखिए अर्बन मिशन है सर्वे विल क्रिएट अ लेवल प्लेंग फील्ड फॉर स्मॉलर सिटीज बाई इंट्रोड्यूसिंग टू पॉपुलेशन कैटेगरी दो कैटेगरी स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है अंडर फिफ्टी था एंड बिटवीन फिफ्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इस तरीके से इसको लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट है तो एग्जाम में क्वेश्चन तो बनेंगे पीपल फर्स्ट एज इट्स ड्राइविंग फिलोसॉफी पीपल फर्स्ट पब्लिक पहले पब्लिक का फीडबैक बहुत मैटर करेगा इसी पॉइंट को पे ध्यान में रखा गया है so एक पे रखेगा. आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है नो no डाउट अबाउट दैट जन भागीदारी जन भागीदारी ये ग्रामीण के अंदर भी यूज करते जन भागीदारी यह अर्बन के अंदर भी यूज करते बिकॉज हम जनता का फीडबैक लेते हम कम्युनिटी से बात करते स्वच्छ सर्वेक्षण करते इंदौर हमेशा टॉप में रहती है इंदौर हमेशा सबसे ऊपर है सबसे क्लीन सिटी मानी जाती है देखते इस बार इंदौर को कौन बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है लगता तो नहीं इंदौर को भी बीट कर पाएगा बड़ा अच्छा काम इंदौर का कर रहा है दैट इज अ केस सो अगेन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भी अनाउंस हो चुका है नौ सप्टेबर से और स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन भी अनाउंस हो चुका है कल ही इसका अनाउंसमेंट किया गया बाय हरदीप सिंह पुरी ध्यान रखिएगा यस गाइज अब यहां पर देखिए इंदौर की मैंने बात की थी छत्तीसगढ़ स्टेट इन लाइक अर्बन लोकल बॉडीज कैटेगरी झारखंड स्टेट लेकिन नंबर्स हजार 2014 से इसको स्टार्ट किया गया था और 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमारे पास है जहा पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ध्यान रखिए ठीक है दैट विल बी इनफ रहेगा चलो आगे बढ़ते

देखिए आपको बताओ जीएसटी काउंसिल नाम का एक हमारे पास है जीएसटी काउंसिल में देश के वित्तीय और सारे स्टेट्स के मंत्री मिनिस्टर वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं तो भैया जीएसटी काउंसिल के अंदर देश के फिनेंस मिनिस्टर उनके सब और सारे स्टेट्स के फिनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं अब निर्मला जी ने दो कमिटीज बनाई हुई है कमिटीज देखिए करंट टैक्स लैब्स एंड जीएसटी एग्जेट आइटम्स किसको जीएसटी के अंदर लाया जाए किसको नहीं लाया जाए ना पेट्रोल की बात हो रही है कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और एक कमेटी है जीएसटी जीएसटी के स्लैब्स को लेके जैसे में जो टैक्स का परसेंटेज होता है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने इसके लिए दो कमेटी बना के रखी हुई है एक कमेटी बसवराज बोमाई साहब जो कर्नाटका के सीएम है और फिनेंस को भी वही हैंडल कर रहे उनके हाथ में एक कमेटी है टैक्स स्लैब्स वाली और दूसरी कमेटी महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार साहब है उनके हाथ में तो अजित पवार डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोमाई दो लोग हैं कमिटीज को हैंडल कर रहे फर्स्ट ऑफ यस गाइस मैंने क्वेश्चन पूछा कि भैया यस फर्स्ट ऑफ जुलाई फर्स्ट ऑफ जुलाई को हम लोग जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं देखिए जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल कम्स अंडर टू सेवन ए जीएसटी काउंसिल टू सेवन ए के अंदर आता है टू सेवनटी नाइन ए एंड 101 अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंदर हमने चेंजेस किए और इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया तो अमेंडमेंट एक्ट 101 जीएसटी जीएसटी काउंसिल 279 ए और दो कमिटीज क्रिएट की गई है और एक कमिटी के हेड देखिए है जो एक कमिटी को हेड करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड और कमिटी है, पे किस, -किस को GST में करना है और किसको नहीं करना है और उस कमेटी के हेड रहेंगे सो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार वो उस कमेटी को हेड करेंगे बाकी भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाले कुछ फिनेंस मिनिस्टर बसवराज बोम्मा के पैनल के अंदर काम करेंगे कुछ फिनेंस मिनिस्टर अजित पवार साहब के पैनल के अंदर काम करेंगे ध्यान रखिए देखिए जीएसटी के रेट हमें पता है रेटो परसेंट फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एन परसेंट ट्वेंटी जीरो पब्लिक को यह लगता है डायरेक्टली जीरो से फाइव आएगा जीरो टू फाइव परसेंट के बीच में भी जीएसटी का रेट रख सकते हैं यह भी पॉइंट होता है अभी रेट्स में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो सजेशन बसोराज बोम्बाई पैनल या बसोराज बोमाई कमिटी ये प्रेजेंट करेगी जीएसटी काउंसिल को आपको पता है अल्कोहल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ये फिलहाल जीएसटी के अंदर नहीं आता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने की बात हो रही है देखते हैं अजित पवार कमेटी उसके बारे में क्या कहती है एक बार उस कमेटी के रिकमेंडेशन आ जाएंगे तो फिर जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर पाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है अगेन टू सेवेंटी नाइन ए फॉर जीएसटी काउंसिल टू फोर्टी सिक्स ए फॉर जीएसटी एंड वन अमेंडमेंट एक्ट फॉर द जी एस टी विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंकलकेटेड इन इट सेल्फ ठीक है चलो uh, अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं आता और कभी जिंदगी में अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं आएगा तो प्लीज यहां पे बातें करना बंद कर दो ठीक है अल्कोहल जीएसटी के अंदर क्यों नहीं आएगा या क्यों नहीं आ सकता बिकॉज अल्कोहल डिपेंडिंग ऑन स्टेट अल्कोहल स्टेट पर डिपेंड करता है स्टेट के कल्चर पर डिपेंड करता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो स्टेट को डिसाइड करने दीजिए अगर अल्कोहल पर जीएसटी लगाया तो जीएसटी का टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स तो पूरे देश में आइदर अल्कोहल शुरू करना पड़ेगा या फिर बैन करना पड़ेगा तो लेट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड उनको क्या करना है तो अल्कोहल विल नेवर बी द पार्ट ऑफ जीएसटी uh, ये पार्लियामेंट के अंदर uh, पी चिदम्बरम साहब भी बोल चुके और जेटली साहब भी बोल चुके और निर्मला जी बार बार कहती है फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं है आप ऑफिसर बनने वाले हो आप तो थोड़ा ध्यान दी दे दीजिए भैया कि क्या करना क्या नहीं के चलो एनीवेज आगे बढ़ते <coughs> नरेंद्र मोदी uh, साहब लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑन सितंबर 27 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वैसे ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर को ही होना चाहिए था बिकॉज आयुष्मान भारत की एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पर वो टाइम पे मोदी साहब इन यूएसए तो इसको अभी लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2018 में आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था आ, इंडिया में पांच लाख तक तो का हेल्थ इंश्योरेंस प्लस इंडिया में वेलनेस सेंटर्स ओपन करने के लिए और सबसे ज्यादा वेलनेस सेंटर कर्नाटका ने ओपन किए ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके आपको अच्छे से याद होगा तो अभी तीन साल हो गए तो यहां पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मोदी साहब ने लॉन्च किया अब क्या मिशन है ध्यान दीजिए 15 अगस्त को लाल किले से मोदी साहब ने इसके बारे में बात की थी बड़ा लंबा सा स्पीच था उनका उस, उस स्पीच में बात की गई थी कि भैया हम आयुष्मान भारत को डिजिटल एंगल में डेवलप करेंगे तो जो भी आपको हेल्थ कार्ड मिलते हैं वो हेल्थ कार्ड डिजिटल एंगल में दिए जाएंगे और ये पॉइंट मोदी साहब ऑलरेडी अनाउंस कर चुके और उसी की बात यहां पे की जा रही है देखिए करंटली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज बिंग इंप्लीमेंटेड ऑन द पायलट बेसिस इन सिक्सोरिज पायलट का मतलब हम ये मिशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी पूरे देश के लिए इसको मोदी साहब ने कल लॉन्च किया पे क्या -क्या इस डिजिटल मिशन के अंदर क्या मिलेगा हेल्थ आई डी फॉर सिटीजन के Uh, once guys, uh, मेरे काल से कुछ गड़बड़ पे हाँ देखिए क्या होता है, जो जिनको भी भारत के अंदर इंश्योरेंस मिलता है उनके सारे हेल्थ आईडीज ये ऑनलाइन बनेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है आपके बॉडी में लाइक जो भी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके हेल्थ आईडी के अंदर रहेगी तो ये ऑनलाइन मिल जाएगा दूसरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री तो जो जो डॉक्टर्स जो जो लोग आयुष्मान भारत से जुड़े हुए उनका सारा डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और तीसरा कहा फैसिलिटी है कहां पे हॉस्पिटल है कहां पे नहीं है कहां पे आयुष्मान भारत के अंदर आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है उसका भी सारा डेटा ये ऑनलाइन तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन करेगी इस डिजिटल मिशन के अंदर जो रेड फोर से लाल किले से मोदी साहब ने अनाउंस किया था ध्यान रखिएगा सो दैट इज अ पॉइंट रिगार्डिंग दि वापस एक बार न्यूज़ को रिपीट कर देता हूं ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तीन साल हो गए 2018 के टाइम इसको लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसका यहां पे अनाउंसमेंट किया गया दैट विल बी नफ के याद है आपको आरोग्य मंथन अभी रिसेंटली मंसुक बंडुया साहब ने अरेंज किया था आरोग्य मंथन 3.0 याद होगा आपको सो so, आरोग्य मंथन 23rd ऑफ सितंबर को था अब मोदी साहब वो टाइम पे नहीं थे इसीलिए अनाउंसमेंट अभी करवाई गई है ये पॉइंट दूसरा रांची रांची से हमने सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था भैया कुछ योजनाओं के सिटीज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो रांची से आयुष्मान भारत योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी साहब ने 2018 के अंदर उसका आगाज किया था ध्यान रखिएगा ठीक है चलो अप्रैल yes, को हम लोग आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट करते अच्छा पॉइंट बताया आपने काजल जी वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट ठीक है यस आर एस शर्मा साहब है जो हमारे आयुष्मान भारत के सीईओ है आयुष्मान भारत योजना के सीईओ आर एस शर्मा साहब है बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया बर्लिन ओके okay, मेरे ख्याल से डिरेक्टली फ्रॉम सॉरी मनी हाइस से हमारे लेक्चर में आ चुके हैं बर्लिन तो वेरी गुड वेरी गुड पॉइंट ठीक है चलो यस yes, क्लियर uh, है सबको एवरीथिंग आगे बढ़ते हैं सोजत मेहंदी फ्रॉम राजस्थान रिस्यूट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, सो सुबह इस मेहंदी की बड़ी तारीफ होती है ऑल ओवर इंडिया इसकी बड़ी तारीफ होती है और फाइनली इस मेहंदी को जिया टैग मिल चुका है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है सोजत मेहंदी फ्रॉम राजस्थान जिया टैग कोई भी चीज जो उस जियोग्राफी से उस एरिया से बड़ी फेमस है चाहे नेचुरल चीज रहे या फिर मैनमेड man मैन्युफैक्चरिंग हो उसको ये जीआई टैग मिलता है सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को 2003 में दिया गया था उसके बाद सिलसिला लगा हुआ है और रिसेंटली दो चीजों को जीआई टैग अनाउंस किए गए एक आपके सामने सोजत मेहंदी ठीक है अब देखिए ये ना नेचुरली कल्टिवेट मेहंदी है और इसका लाइक रंग बड़ा ही ज़बरदस्त होता है ऐसा बहुत लोग कहते हैं ओके आई डोंट हैव दैट मच द नॉलेज अबाउट दिस पर आप लोग अच्छे से जानते होंगे नाउ एक और है हमारे पास आसाम का ट्रेडिशनल राइस वाइन जिसको जुड़ीमा राइस वाइन कहते हैं जुड़ीमा राइस वाइन इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है ये आसाम से बिलोंग करता है पहला ड्रिंक है भैया इंडिया में जिसको जीआई टैग मिला है राइस वाइन वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन इसका कंजम्पशन काफी अच्छा करते हैं तो राइस वाइन एज जुडीमा राइस वाइन इसको मिला देखिए पे आपको नाम दिख रहा होगा बोटल के ऊपर भैया बॉटल भी एक बार देख लो खुशी हो जाएगी आपको तो इस जुडीमा राइस वाइन को भी जिया टैग मिला है तो मेहंदी की तो बात हमने कर दी अब यहां पे आसाम के राइस वाइन की भी बात की जा रही है जो ट्राइबल राइस वाइन है जुडीमा इज द नेम ओवर हियर ठीक है चलो यस yes, uh, ट्राइबल का है यस yes, अर्चना जी सही पॉइंट आपने मेंशन किया बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया ओके okay. पर केवल वो ट्राइबल ग्रुप नहीं बहुत सारे और भी ट्राइबल ग्रुप है जो इस राइन राइस वाइन का कल्टिवेशन या कंजम्सन करते हैं ना आपके लिए एक यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक बना के रखा हुआ है एक बार आप इससे गो थ्रू कीजिएगा कि जीआई टैग एग्जैक्टली क्या होते हैं कब से बनाए गए इसके लिए अप्लाई कहाँ करते ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है ओके जो जिसके ऊपर हमारी बात हुई प्लस कुछ स्टेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि कौन से कौन से स्टेट्स है सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटका के पास है 34 जीआई टैग है कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र 26 जीआई टैग है और ओडिशा के पास

डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देखिए रामचंद्रन इनके नाम पे चेन्नई के सॉरी रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया चेन्नई सेंट्रल जिसे नाम दिया जाता है नाउ ये इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन है सोलर पावर्ड आप देख सकते हो देखिए सोलर पैनल्स सोलर पैनल्स इवन ये जो उनका याँ पे याँ पे भी कुछ सोलर पैनल्स लगा के रखे हुए होल रेलवे स्टेशन इज विथ सोलर पैनल सो नियर अबाउट वन पॉइंट फाइव मेगावैट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्रिएट की जाती है तो चेन्नई सेंट्रल के जो भी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी की जा रही है

इंडियन रेलवे का एम है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है यह बजट के टाइम डिस्कस किया था आपको अच्छे से याद होगा कि इंडियन रेलवे का एम है कि 2030 तक इंडियन रेलवे ये नेट जीरो एमिशन वाली बननी चाहिए रेलवे के थ्रू कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए तो अगर सोलर का यूज किया गया तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ये बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो नेट जीरो और इसी एंगल में हमारा रेलवे काम कर रहा है और चेन्नई सेंट्रल यह पहला स्टेशन बन चुका है देखिए इसके अलावा ध्यान दीजिए 111 मेगावाट सोलर कैपेसिटी हमें इंस्टॉल करनी है के और कर चुके एक्चुअली 3 मेगावाट एट द हावड़ा रेलवे स्टेशन

इसके अलावा देखिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इन द स्टेट ऑफ आंध्रा द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू बी कवर्ड विथ वन थर्टी केवीपी सोलर पैनल तो पहला के ये कवर किया गया था विजयवाड़ा एंड नाउ हंड्रेड परसेंट तरीके से चेन्नई सेंट्रल काम कर रहा है ध्यान रखिए दैट विल बी द केस सबसे बड़ा क्वेश्चन बताए कहां आएगा यहां पे ये है नेट जीरो कार्बन एमिशन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 2030 तक गवर्नमेंट को ये अचीव करना है रेलवे डिपार्टमेंट को अचीव करना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस पूरे न्यूज के अंदर यस yes गाइस आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई भी किसी भी लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहता है केवल बैंकिंग की नहीं अगर आपको एसएससी का भी लाइव बैच ज्वाइन करना होगा यूपीएससी का भी लाइव बैच ज्वाइन करना होगा तो आप एक कोड यूज कर लीजिए आपको इंस्टेंट 20 परसेंट ऑफ मिलेगा तो भैया आपने पढ़ाई को रोकिए मत उसको आगे ले जाइए अभी बैंकिंग का एक नया बैच चल रहा है मैं खुद ही इसमें पढ़ा रहा हूं मैं खुद इसमें जी कवर कर रहा हूं तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं नई सी की बात करेंगे एल के आईपीओ आ रहे हैं कि आपको याद है एलआईसी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी कोई कंपनी जिंदगी में पहली बार शेयर्स बेचती है शेयर मार्केट में तो उन शेयर्स को आईपीओ कहा जाता है अभी रिसेंटली जोमैटो के आईपीओ आए थे आपने देखा होगा कि अभी एलआईसी भी अपने आईपीओ ला रही है एलआईसी को आईपीओ लाने के लिए दस मर्चेंट बैंक उनको मदद कर रही है और एक लॉ कंपनी है एक लॉ इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सायरिल अमरचंद मंगल ये ना लॉ फर्म है मुंबई बेस्ट लॉ फर्म है 2015 में इस फर्म को क्रिएट किया गया था साइरिल अमरचंद मंगलदास इज द नेम ऑफ लॉ फर्म वो लॉ फर्म अभी एल को मदद करेगी लीगल चीजों को हैंडल करने के लिए मर्चेंट बैंक दस मर्चेंट बैंक है मर्चेंट बैंक का मतलब क्या होता है बैंकिंग जो कंपनियों को मदद करती है उनके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उनको मर्चेंट बैंक कहा जाता है क्वार्टर है बाईस वहां पे एलआईसी के शेयर्स मार्केट में आएंगे ऐसा निर्मला जी ने अभी रिसेंटली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यह भी पॉइंट आपको पता होगा

नेक्स्ट न्यूज आपके सामने नाउ लेफ्टिनेंट जनरल गुर सॉरी गुरबिल पाल सिंह गुरबिरपाल सिंह इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी एनसीसी की बात करेंगे 1948 में यूथ विंग बनाया गया था हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को मिला के एक यूथ विंग बनाया गया नाम रखा एनसीसी ना, 1948 नेशनल कैडेट कॉर्ड उसके नए हेड अभी हमारे पास है गुरबिरपाल सिंह ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अब नाउ ही वाज सॉरी ही वाज कमीशन इनटू पैराशूट रेजिमेंट पैराशूट रेजिमेंट के अंदर काम करते 1987 में इनको कमीशन किया गया था और काफी बड़े बड़े वॉर्स में पार्टिसिपेट किया गया इवन यूएन पीस फोर्स के साथ लेबनन में भी ये काम कर चुके तो एक्सपीरियंस बड़ा स्ट्रांग है uh, तरुण कुमार ऐच इनका रिटायरमेंट हो गया अब उनके जगह पे यहाँ पे गुरबीरपाल सिंह इनको अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखेगा क्रिएट किया गया यूनिटी एंड डिसिप्लिन उनका मोटो है आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों भी यहां पे इंक्लूड होती है उनका यूथ विंग एनसीसी के अंदर वर्क करता है सो एवरीवन नोज अबाउट दैट ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे यस uh... yes. फॉर द फर्स्ट टाइम तमिलनाडु बेस्ड एम एस सीमी हैज क्लींचील विद द लार्जेस्ट एरोस्पेस फॉर्म बोइंग एक पॉइंट में बोलना चाहता हूं देखिये इस न्यूज में सायरिल अमरचंद सारिल अमरचंद मंगलदास दास ये कोई एक पर्सन नहीं है यह पूरी की पूरी लॉ फर्म है 800 सौ एम्प्लॉयज इस लॉ फर्म के अंदर पूरी की पूरी लॉ फर्म है और यह लॉ फर्म एल को मदद करेगी कोई एक पर्सन नहीं है ओके okay. लॉ फर्म क्यों मदद करेगी लीगल चीजें होती है लीगल चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है एंड दैट इज देयर जॉब तो प्लीज गड़बड़ मत करना ठीक है चलो नाउ एमएसमी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की बात करें तमिलनाडु का एक एमएससीमी है जिसका बोइंग के साथ एग्रीमेंट हुआ है बोइंग यूएस बेस्ड कंपनी है बोइंग इज अ यूएस कंपनी 1916 1916 में बोइंग को क्रिएट किया गया था वर्ल्ड की सबसे बड़ी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग इनका एग्रीमेंट हुआ है यहां पे एक कंपनी के साथ तमिलनाडु बेस्ट कंपनी कंपनी का नाम देखिए एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड सालेम तमिलनाडु में काम करती है एयरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और बोइंग जैसे इतने बड़े कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे नो डाउट अबाउट डेट होसूर में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी जहां पे बोइंग प्लेन्स के पार्ट बनाने वाली है एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अगेन नाइनटीन 16 बोइंग क्रिएट किया गया यूएस बेस्ड कंपनी है तमिलनाडु की बात करेंगे तो एमके स्टालिन यहाँ यहां चीफ मिनिस्टर है चेन्नई इज द कैपिटल एवरीवन नोस नोज भैया जल्दी बता दीजिए कि चेन सॉरी तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन है कमेंट सेक्शन के अंदर पहले पुरोहित साहब थे वो पंजाब चले गए अभी तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन है कमेंट सेक्शन में नाम डाल दीजिए बड़ा बेहतरीन नाम है आईपीएस ऑफिसर रह चुके इंडिया के जल्दी से नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस आर एन रवि एब्सोल्यूटली आर एन रवि साहब है उनकी यहाँ पे बात की जाती है बहुत बढ़िया चलो कैद आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑन ट्वेंटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है बेंगलुरु कंपनी है इनका एग्रीमेंट हुआ है अलायंस एयर एविएशन के साथ अलायंस एयर ये एयर इंडिया के अंदर काम करता है ये एयर इंडिया के अंदर काम करता है अलायंस एयर मुंबई में हेडक्वार्टर है नाइनटीन में अलायंस एयर को क्रिएट किया गया था इट वर्क अंडर एयर इंडिया अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अलायंस एयर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है एग्रीमेंट हुआ है अरुणाचल प्रदेश के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्लेन्स एरोप्लेन्स चाहिए के हमारे पास एक योजना है। योजना का नाम आपको पता होगा उड़ान उड़े देश का

किसी भी एंगल में ये प्लेन को यूज किया जा सकता है ये पॉइंट मेंशन किया गया 19 सीटर ये दो प्लेन रहेंगे डी ओ टू टू एट इज द नंबर ऑफ द प्लेन एंड द प्लेन विल बी क्रिएटेड बाय देखिए यहाँ पे प्लेन लिखा भी है डी ओ टू टू एट हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और प्लेन दिए जाएंगे एयर अलायंस को एच एल नाइनटीन बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है और ये नवरत्न कंपनी है याद है महारत्ना नवरत्न मिनीरत्न इसके ऊपर हमारी बात हुई थी सो so, महारत्ना में रिसेंटली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऐड हुआ है और नवरत्ना के अंदर हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड की कंपनी आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ठीक है यस गाइस चलो नेक्स्ट न्यूज वेवर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर विल बी सेटअप इन कुल्लू गोयल साहब गोयल साहब हमारे वाणिज्य मंत्रालय के मिनिस्टर है। उनका यह कहना है कि भैया कुल्लू कुल्लू के अंदर जो शॉल मिलती है उसको भी जी आई टैग है पर इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पे एक रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा ऐसा अनाउंसमेंट हमारे टेक्सटाइल और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने किया टेक्सटाइल भी इन्हीं के पास है कॉमर्स मिनिस्टर भी इन्हीं के पास है तो इन सारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये रिसोर्स सेंटर क्रिएट करने की बात देखिए द हैंडीक्राफ्ट चीफ ऑफ द द द अलोंग विद कुल्लू शॉल एंड कैप गॉट टैग टैग इसको ऑलरेडी मिल चुका है तो जी आई टैग वाली चीज है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाली अगर चीज है तो इसको वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पे रिसोर्स सेंटर ओपन किया गया है एक और चीज यहां पे फ्लिपकार्ट के साथ भी एग्रीमेंट है आ, आ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का फ्लिपकार्ट के साथ भी फ्लिपकार्ट कोई बताएगा फ्लिपकार्ट का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करता है यूपी हरियाणा महाराष्ट्र ये एग्रीमेंट हमने देखे थे हिमाचल के साथ भी फ्लिपकार्ट का एग्रीमेंट हो गया तो कौन सा प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट का जिसके अंदर ये एग्रीमेंट साइन होता है समर्थ प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया ओके okay? समर्थ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं राइट right, मेरे दोस्तों समर्थ प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ड का जिसके अंदर फ्लिपकार्ड स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट साइन करती है ताकि स्टेट की लोकल चीजें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिक सके तो हिमाचल के साथ भी यहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ है एब्सोल्यूटली राइट right, बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़ेंगे नाउ टोकलाइट टी रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम इनका एग्रीमेंट हुआ है पतंजलि आयुर्वेदा के साथ टोकलाई टी रिसर्च आपको पता है 1911 1911 में इसको क्रिएट किया गया था 1911 इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टी ये टी रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ये टोकलाई है जोरहाट आसाम के अंदर इसका हेड क्वार्टर है और इनका पतंजलि के साथ टाइप हुआ है पतंजलि एवरीवन वन नोज मुझे बताने की जरूरत नहीं देखिए द एमओ यू एम सेलेबरेटिंग द एडवांस रिसर्च ऑन केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम टी लीव्स फॉर मेडिसिन कॉस्मेटिक वेलनेस प्रोडक्ट्स तो अलग अलग प्रोडक्ट पतंजलि को बेच रहे तो टी के जो पत्ते होते लीव्स होते उससे क्या क्या बनाया जा सकता है कहां कर करेगी और पतंजलि उनको मदद करने वाली है ये दुनिया की देखिए ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड ओल्डेस्ट 1911 में इसको बनाया गया था तो केवल इंडिया का ओल्डेस्ट नहीं है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आसाम जोरहाट में इसका हेडक्वार्टर है ध्यान रखेगा चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपदा श्रीराम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग 472 किलोमीटर फ्रॉम लेह टू मनाली केवल 34 फोर आवर्स में कवर किया और लेह टू मनाली का रास्ता भी था। सिंपल रास्ता नहीं है भैया बड़ा डेंजरस रास्ता है और इन्होंने केवल 34 फोर आवर्स में यह रास्ता क्लियर किया और बाय साइकिल एंड दैट्स नेम इज़ इन वाय बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपदा श्री राम नाम याद रखिएगा ओके नाउ 25 सितंबर को इन्होंने लद्दाख से स्टार्ट किया था सुबह चार बजे और इतने डेंजरस एनवायरमेंट में 34 फोर आवर्स फिफ्टी मिनट्स बज गए भैया छह मिनट से बज गए नहीं तो 35 फाइव आवर्स हो जाते तो इतने में उन्होंने पूरा रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड ही गॉट द गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनका नाम है बहुत बहुत शुभकामना इनको नो डाउट अबाउट दैट देखिए ये जो इवेंट है ये जो uh, इन्होंने जो करके दिखाया क्यों किया स्वर्णिम विजय वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष नाइनटीन सेवनटी वन में पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को हराया था हमने भैया डंके की चोट में कुछ करके दिखाए तो हमने यहां पे एक गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कर दिया तो भाई स्वर्णिम विजय वर्ष जो चल रहा है बांग्लादेश का क्रिएशन भी किया गया और पाकिस्तान को हमने हराया भी था बस उसी की याद में ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया भाई काबिल तारीफ है नो डाउट अबाउट दैट एक और रिकॉर्ड होल्डर हमारे पास है कल मैंने इनके ऊपर बात की थी आपके साथ कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि भैया विराट कोहली इंडिया के कैप्टन है और दस हजार रन स्कोर करने वाले पहले इंडियन बन चुके टी ट्वेंटी फॉर्मेट के अंदर यह बात हमारी कल भी हुई थी कल भी हमने डिस्कशन किया था कि तो मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच चल रहा था एंड ही एंडी ऑल्सो तो फर्स्ट इंडियन टू तो बिकम स्कोर टेन थाउजेंड और पांचवे बैट्समैन है

आगे बढ़ते हैं। नाउ बहुत सारी न्यूज आने वाली भैया फ्यूचर में बिकॉज हमारे थर्टी सिक्स शूटर्स ये पेरू में जा चुके लीमा के पेरुवियन कैपिटल लीमा यहां जा चुके हमारे थर्टी सिक्स शूटर्स किसी को शूट करने नहीं गए पे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट टाइम जब गए थे तो भैया गोल्ड मेडल की बरसात बरसात हुई थी इस बार भी चांसेस है कि गोल्ड मेडल की की होगी कल से इवेंट्स की शुरुआत हो गई है सो मनु भाकर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर विजयवीर सिंधु ऐसे बड़े बड़े नाम है इंडिया के शूटिंग फील्ड के जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गए दस अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा और देखना बहुत सारे गोल्ड मेडल्स आने वाले हैं लास्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया था ना 2017 में तो 10 मेडल्स मिले थे चार गोल्ड तीन सिल्वर तीन ब्रॉन्ज ये मेडल्स लेके हमारी टीम आई थी इस बार और ज्यादा मेडल्स हमें मिल सकते पेरू पेरू के अंदर ये चैंपियनशिप चल रही है जूनियर चैंपियनशिप है और हमारी टीम वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोग देंगे और बहुत सारी गोल्ड मेडल्स जीत के आए यही हमारी उम्मीद रहेगी एक और जाए ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर को तो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप रखी गई थी और यहां पे विष्णु शिवराज पांडियन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है दस मीटर एयर राइफल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ऑनलाइन तरीके से ये ऑनलाइन क्या होता है आप अपने घर में एक शूटिंग रेंज बनाइए वीडियो कैमरास लगाइए के और कैमरास से जजेस चेक करेंगे आपने कैसे परफॉर्म किया तो कोविड नाइनटीन में शूटिंग प्रैक्टिस या शूटिंग के इवेंट्स इस तरीके से भी हो रहे हैं ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर पे गोली नहीं चलानी है भैया कंप्यूटर साफ देखेंगे कैमरा देखेंगे और घर में एक रेंज बनाइए और उस रेंज पे प्रैक्टिस करनी है तो विष्णु शिवराज पांडियन को यहां पे ब्रॉन्ज मेडल मिला के। मेरिया रोसोलो फ्रॉम द स्पेन गोल्ड मेडल के विनर है और यूक्रेन के हेल्किना इनको यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है एंड ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास है विष्णु शिवरन पांडियन याद रखिएगा ठीक है मैंने कहा था ऑनलाइन कैसे होता है <coughs> यस uh, yes. चलो भूमिका जी के पास भी मेडल्स है बहुत बढ़िया ओके okay, आप भी कि ऑनलाइन कैसे होता है मैंने पहले भी मेंशन किया आपको कि भैया एक रेंज बनाइए कैमरास लगाइए कैमरा से सारी रेंज चेक की जाएगी एंड देन शूट कीजिए सो so, ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर पे गोली नहीं चलानी है ठीक है so guys, ये था हमारा करंट अफेयर्स ऑफ द डे के कल सुबह सात बजे मिलेंगे एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के न्यूज के साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हम लोग तो भैया अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहां पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है चलो पुराने नोट्स को ही शायद नोट पे डेट गलत हो गई है पर डेट भले गलत हुई होगी नोट्स सही तरीके से पहुंच चुके हैं कभी कभी ना पुरानी डेट्स के नाम पे नोट्स आ जाते एक बार चेक कीजिए नहीं होगा तो मैं वापस एक बार डलवाने को बोल देता हूं आप चिंता मत कीजिएगा तो ये यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे तो गाइज मिलते कल सुबह सात बजे हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर को तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय